ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर देन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टर पे हमने देखा था तो फेज डिफरेंस जो था वो जीरो था, और इंडक्टर पे जब हम एसी सर्किट एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं देन इसमें फेज डिफरेंस वो लैग होता है बाय 90 डिग्री। उसके बाद इसमें हमने एक्सएल इज इक्वल टू देखा था 2 पाई एफ एल, देन ये पास करता है डीसी एंड ब्लॉक करता है एसी, राइट। इंडक्ट कैपेसिटेंस में हमने देखा था कि इसमें जो फेज डिफरेंस था वो लीड करता था 90 डिग्री से प्लस, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, राइट। और ये पास करता है एसी एंड ब्लॉक करता है डीसी। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे। उसके बाद उस पर हमने देखा था फेजर डायग्राम। ओके, सो अभी हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एसी सर्किट कनेक्टेड कंटेनिंग द रेजिस्टर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इन सीरीज सर्किट मीन्स एलसीआर सर्किट, ठीक है। सो न्यू पॉइंट, एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि तीनों भी कंटेंट जो है कंपोनेंट हमारे इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर ये सीरीज में लगाना है, जो कि हमने पहले सेपरेट में लगाए थे, और उसे हमें एसी सोर्स इनपुट एज देना है एल सी एंड आर। ओके, सो इफ वी आर गोइंग टू कनेक्टिंग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द एसी सोर्स, देन इस पे आपका एसी वोल्टेज अप्लाई होगा, बट इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि करंट जो रहेगा, करंट इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट बोलना है, इज अ सेम, ये सेम रहेगा, बट जो पोटेंशियल और ईएमएफ जो रहेगा जिसे हम वोल्टेज बोल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज अ डिफरेंट, हर एक के लिए अलग रहेगा। अब देखो आपने जो पहले देखा था ये कंडीशन ऊपर के, सो ई नॉट साइन ओमेगा टी ये हर एक के लिए कॉमन था बराबर इनपुट वोल्टेज, बट अभी हम क्या कर रहे हैं सीरीज में तीनों भी कंटेंट अगर प्लेस कर रहे हैं तो इसका अभी फैक्टर अलग अलग रहेगा, करंट सेम रहेगा और आपका वोल्टेज ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। सो करंट आपका सेम है मीन्स हम इसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सबके लिए सेम वाला करंट, ठीक है, बट वोल्टेज इज डिफरेंट और पोटेंशियल इज डिफरेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा मीन्स फॉर रेजिस्टर ये अलग रहेगा, फॉर रेजिस्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई आर इज इक्वल टू आई इंटू आर मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मीन्स वी इज इक्वल टू आई इंटू आर लेते हैं ना, वही हिसाब से इसे ले रहे। फॉर कैपेसिटर इसे लिखा जाएगा ई सी आई एक्स सी, ये समझ में आ रहा है ना, एक्स सी और आई क्यू है क्योंकि ये कंपोनेंट उसका रिएक्टेंस बोलते हैं, हमने कल देखा था ये जो लिया है एक्स सी एक्स एल। फॉर इंडक्टेंस ई एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, ठीक है। ये तीन कंटेंट हम अलग अलग तरीके से इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे हर एक कंपोनेंट पे। अब इसमें
वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो कि हम एक्सी से बता रहे, वो क्या करेगा, लैग करेगा 90 डिग्री से, लैग बाय 90 डिग्री। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे वो क्या कर रहा था, पहले कैपेसिटर लीड कर रहा था, अब क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये लैग क्यों कर रहा है, इसके लिए एक डायग्राम प्रोवाइड की जाती है, उसे फेजर डायग्राम कहा जाता है, जो कि कंबाइन शो की जाती है। दिस इज योर के, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओके, ये आपका जो है ओके, वो आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। ये फाई हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पे हम इंडक्टेंस का वोल्टेज बताएंगे नीचे की तरफ, कैपेसिटेंस ईसी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ईसी आपका ये डाउन साइड में, इसलिए लैग बाय 90 डिग्री, ये है वाई डैश, ठीक है। ये आपका ई नॉट, क्योंकि ये आपका पीक वैल्यू है, ये आपका करंट आई नॉट, ठीक है। सो ये फेजर डायग्राम का भी यूज करना है हमें इसमें। तो जैसे ईसी के लिए आपका लैग कर रहा है वोल्टेज 90 डिग्री से, सिमिलरली ईआर जो रहेगा आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, सो उसका जो फेज विद द करंट रहेगा, राइट, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उसे हम ओ एक्स बोलेंगे, ओ एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, ओ एक्स बोल सकते हैं या ओ ए बोल सकते हो, ओ ए विच रिप्रेजेंट व्हाट, रेजिस्टेंस, ओके। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज अ डिफरेंस बाय 180 डिग्री। व्हाई, देखो ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस है, दोनों में आपका टोटल फेज डिफरेंस कितना आ रहा, 180 डिग्री। सो दैट वी से और वी राइट एज अ फेज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज रिटन एज 180 डिग्री। सो 180 डिग्री की वजह से हम इसे ई एल माइनस ई सी ऐसा लिख सकते हैं, ई एल माइनस ई सी। सो एज्यूम ऐसा करना है हमें कि ई एल ये बड़ा है ई सी से, ओके। अगर ई एल बड़ा रहता है ई सी से तो ये अपना ओ बी डैश है और ये ओ बी है, सो ओ बी डैश मीन्स ओके है आपका, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट, बराबर। ओ ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और सिंपली ई आर, और ओ बी ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ई एल माइनस ई सी, राइट, जो कि यही है। तो हम जब इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बार एंड ओ बी डैश बार इज ओके, सो ओके इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी डैश स्क्वेयर, सो ओ ए स्क्वेयर इज नथिंग बट ई आर स्क्वेयर एंड ओ बी डैश स्क्वेयर मीन्स ई एल माइनस ई सी होल स्क्वेयर, ओके। देन अभी ये ई आर है, हमें मालूम है ई आर का वैल्यू क्या है, आई आर है, आई नॉट आर, यहाँ पे सॉरी पीक वैल्यू लेना है हमें, सो ई नॉट लगा, आई नॉट लगा दो, और यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे आई नॉट ये कॉमन निकलेगा स्क्वायर में, ब्रैकेट में रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, जब इसे बाहर ले गया आप तो स्क्वायर उसका चल जाएगा, और ये ओके ये आपका ई नॉट है,
ई नॉट ई नॉट ई नॉट, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना ई नॉट, सो ई नॉट अंदर रहेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो ये जब हम आई नॉट को डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि वी डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू अपना रहता है आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। बराबर, यहाँ पे अपना क्या आया अभी, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ये जो ब्रैकेट रहेगा, ये ब्रैकेट आपका रिप्रेजेंट करेगा दैट इज अ जेड, और जेड आपका ये दूसरा तीसरा नहीं है, ये तो है आपका इम्पिडेंस। ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ व्हाट, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ये इम्पिडेंस किसका हो गया, एलसीआर सीरीज सर्किट का, मीन्स तीनों कंपोनेंट के लिए एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, सो इतना ये अभी हमें फेजर डायग्राम तक लेके जा रही है, राइट। इसके बाद अभी हमें इसका वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, ये हमें बताना है, और उसके कुछ केसेस है जो कि हम अभी ये फेजर डायग्राम से जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके केसेस हमें देखना है। ठीक है, सो इसको पहले नोट कर लो, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है हमने, एलसीआर सीरीज सर्किट का इक्वेशन बना है, ठीक है, और इसका रिजल्टन लिया है। ओके, सो नेक्स्ट, अभी जो अपना इक्वेशन आया था क्या था वो, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू जेड लिया था, और जेड को हमने क्या बोला अभी, इम्पिडेंस। बराबर, अब ये इम्पिडेंस आने की वजह से अगर हम एसी सर्किट में, इन एसी सर्किट इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस देन इट इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। एडमिटेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस, और इसका जो यूनिट रहेगा वो भी अलग रहेगा। इम्पिडेंस मीन्स आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से हो गया, तो इसका यूनिट रहता है आपका ओहम, राइट, और इसका यूनिट क्या रहेगा, ओहम इनवर्स, और ये ओहम इनवर्स को ही दूसरा लिखते हैं अपन सीमेंस, और भी ठीक है, एक तो सीमेंस लिखो नहीं तो ओहम लिखो, राइट। सो रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज टू द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट डेट इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस, ये आपका इसका इम्पिडेंस का डेफिनेशन आ जाता है। ओके, देन उसके बाद अभी फेजर डायग्राम के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते, इन फेजर डायग्राम शोज दैट इन एसी सर्किट कंटेंस एसी सर्किट एल सी आर वोल्टेज लीड्स द करंट, आपका वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, करंट को, बाय फेज कितना था अपना, दैट इज फाई। क्यों, क्योंकि हमने फेजर डायग्राम अभी जो ड्रॉ किया था यहाँ पे फाई एंगल लिया था, बराबर, ये ई सी और ये ई एल और दूसरा ये ई नॉट, ये ए के फॉर्म में था ओ टू ए और ये ओ बी डैश था। ओके, सो हम जब टेन फाइव ये कंसिडर करते हैं, इसको हमने ई एल माइनस ई सी लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आपका 90 डिग्री आएंगे, ये आपका हाइपोटेनस आता है। सो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टेन फाइव मीन्स सर्कुलर कोसोलो अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट ए के अपॉन ओ ए, ए के क्यों आएगा यहाँ पे, के करके ये ए के अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो ए के को ही अपन ओ बी डैश बोल सकते हैं क्योंकि ये ए के और ये पैरेलल है ना एक दूसरे को, ओके। सो पैरेलल है करके हम ओ बी डैश डिवाइड बाय ओ ए लिख सकते हैं। और आपको मालूम है अभी कि ओ बी डैश को हमने क्या लिखा था, ई एल माइनस ई सी, बराबर। सो टैन फाइव इज इक्वस टू ई एल माइनस ई सी, और ये जो है अपना ओ ए, ओ ए को हमने क्या लिया था, ई आर, ओके। सो इसको भी और ऐसा लिख सकते हैं हम, आई नॉट इंटू एक्स एल, आई नॉट इंटू माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आई नॉट इंटू आर। सो ये आई नॉट जब कॉमन निकालते हो आप तो एक्स एल माइनस एक्स सी ही बचेगा डिवाइड बाय आर, और ये आई नॉट गेट कैंसिल, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय वट आर, दिस इज योर टेन फाइव, एंड फाइव इज इक्वस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। ये आपका फाइव का वैल्यू आ गया, ठीक है। फॉर अल्टरनेटिंग एलसीआर सर्किट, फॉर एसी सर्किट वी राइट करंट एंड वोल्टेज इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव को ऐड करना है पहले, ठीक है। और ई ई एम एफ को ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। दोनों में करंट और आपका वोल्टेज अलग अलग हम लिख सकते हैं, बट फाइव उसमें ऐड करके, राइट। सो ये अभी हमने जो डिस्कशन किया है तो वो डिस्कशन को अभी हमें थ्री केसेस में इसे लिखना है। सो देर आर थ्री केसेस बेस्ड ऑन अब वो डिस्कशन, इसका कंक्लूजन ही निकाला है ऐसा पकड़ के चलना है। सो पहला केस क्या है कि जब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी रहता है तो आपका टैन फाइव ये 0 डिग्री रहता है, ओके। हेंस द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, सो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज जब ये एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी रहता है तो, ठीक है। देन ये इन फेज रहता है मीन्स आपका एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव। दूसरा, जब एक्स एल अगर बड़ा रहता है एक्स सी से देन आपका टेन फाइव ये 0 डिग्री में रहता है, टेन फाइव आपका पॉजिटिव रहता है, अगर ये पॉजिटिव रहता है राइट तो फाइव भी आपका पॉजिटिव हो गया, राइट। सो मीन्स वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट। और दूसरा, एसी सर्किट इज अ डोम इंडक्टेंस डोमिनेटेड, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, ठीक है। देन थर्ड, अभी इसका उल्टा, एक्स एल इज लेस देन एक्स सी, एट दैट टाइम आपका टेन फाइव क्या होगा, निगेटिव। अगर ये निगेटिव होता है तो आपका वोल्टेज लीड करेगा करंट, इसमें भी वोल्टेज लीड करेगा, लीड्स द करंट आई, एंड विथ एसी आपका जो सर्किट रहेगा वो कैपेसिटेंस बोल के काम करेगा, ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड रहेगा, और यहाँ पे आपका एसी सर्किट इज कैपेसिटिव और कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट।
डन, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल एलसीआर सर्किट। बट इसमें अभी इम्पीडेंस भी हमें ड्रॉ कर सकते हैं, सो इम्पीडेंस को लिखना है, सो इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में 90 डिग्री जो हमने ओए वाला ये जो लिया था ना, जैसे वैसा ही मैंने यहाँ पे लिया है, बट वो जेड के फॉर्म में, इम्पीडेंस ओ यहाँ पे ए और ये के, और ये आया था आपका एक्स माइनस एक्स, ठीक है। उसे ही खाली उन्होंने टेन फाइव के फॉर्म में लिखा है। सो टेन फाइव इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन आया था, क्या था वो, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय वाट आर, एंड फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, दिस इज योर फाइव। ओके, सो दिस इज आर आर सिंपली आर एल सी और एल सी आर सर्किट। ओके, सो थोड़ा सा है लेंदी, बट एज ए एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। दे इसके बाद हमें अभी देखना है पावर इन एसी सर्किट, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर इन एसी सर्किट। हाँ, अब ये पावर इन एसी सर्किट से सीखने से पहले व्हाट इज मीन बाय पावर, ये हमें देखना पड़ेगा। पावर इज नथिंग बट अ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, ये सादा पावर हो गया, बराबर। सो डीसी सर्किट में अपन यही हिसाब से काम करते, इट इज यूज्ड इन डीसी सर्किट, बट हमें चाहिए कौन सा, एसी सर्किट वाला। सो एसी सर्किट में चेंज क्या होगा, एसी सर्किट में हम जो वोल्टेजेस और करंट लेने वाले हैं, तो वो वोल्टेज रहेगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट आई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस बोले तो चेंज होने वाला ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। सो हर एक के लिए अभी हमें अलग अलग देखना है कि रेजिस्टर के लिए क्या है, इंडक्टर के लिए क्या है, और कैपेसिटर के लिए क्या है। ओके, सो फर्स्ट आता है कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अभी हमें मालूम है हम जो रेजिस्टर यूज कर रहे हैं तो वो प्योर रेजिस्टर यूज होगा, राइट। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट देन द अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट इज अ डेवलप्ड इन फेज विथ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये अपना रेगुलर, एंड इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम जो वोल्टेज लेते हैं, वोल्टेज इज नथिंग बट ई के फॉर्म में ही रहता है, ई एम एफ। सो पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, सो पावर पी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, अब साइन इंटू साइन होगा तो मीन्स ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया, राइट। इसे इक्वेशन नंबर वन देंगे। ओके, अब ये इंस्टेंटेनियस पावर ये वेरीज होता है टाइम के साथ, सो हम इसे कंसिडर करेंगे एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर वेरीज विद द टाइम, सो
टाइम के साथ अगर वेरी होता है, सो वी टेक एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मीन्स कंसिडर होगा 0 to T, ये आपका क्या होगा, रेंज होगा और लिमिट होगा, राइट। सो पी एवरेज इज इक्वस टू चार्जेस इन वन साइकिल, फॉर्मूला बनेगा अपना चार्जेस इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम फॉर वन साइकिल। सो पी एवरेज इज इक्वल टू चार्ज इन वन साइकिल मीन्स 0 to T पी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय आपका टाइम कैपिटल टी। ओके, सो 1/T से बाहर ले लो, 0 to T, अंदर आपका बचेगा ई का वैल्यू मीन्स पी का वैल्यू, ई 0 I 0 sin² ω t इंटू डी टी, बराबर, क्योंकि पी का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। जब हम इसे इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, और बीच में इंटीग्रेशन में हम sin² ω t इतने ही टर्म रखेंगे, क्यों, क्योंकि बाकी की कांस्टेंट टर्म है विथ रेस्पेक्ट टू टी है। ओके, सो sin² ω t है, अगर ये sin² ω t इसे सॉल्व करते हो आप, तो आपका वैल्यू यहाँ पे मिलता है sin² ω t इंटीग्रेशन 0 to T इंटू डी टी इज T/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपका आंसर यहाँ पे मिलता है T/2। तो हम अगर E0 I0 / T इंटू T/2 लेते हैं, ओके, सो TT गेट कैंसल, तो मिलता हमें E0 I0 / 2। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एवरेज पावर। ओके, सो एवरेज पावर इज रिटन एज ERMS इंटू IRMS। दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अपरेंट पावर। क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर। ओके, अभी एग्जाम में आ सकता है ऐसे, अपरेंट पावर किसे बोलना है। तो ये रजिस्टर के लिए है सब, तो रजिस्टर के हिसाब से ही हमें देखना है। ओके, सो इसे नोट कर लो। इसके बाद हमें देखना है दैट इज इंडक्टर। बी एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अब इंडक्टर में सबका एल आ गया, राइट। अब फिर से वही आएगा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो करंट लैक्स द वोल्टेज, बाय π/2 यहाँ पे लैक कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने पहले इसमें देखा था कि एसी वोल्टेज जो अप्लाई किया था तब। सो आपका इंस्टेंटेनियस जो ये रहेगा वोल्टेज, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E इज इक्वल टू E0 sin ω t, और जो करंट रहेगा, क्योंकि करंट आपका लैग कर रहा है ना, सो I0 sin ω t - π/2, ठीक है, वो तो लैग कर रहा है करके माइनस है। सो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, E इंटू I करना, सो पावर इज इक्वल टू E0 sin ω t इंटू I0 मीन्स ए सॉरी I0 sin ω t - π/2।
अब यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो अगर इसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो ई साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। सो ये यहाँ पे आएगा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आपका पावर का बन जाता है। इसे सॉल्व नहीं किया है अभी, है ना, तो एवरेज पावर अभी फाइंड करेंगे। सो पी एवरेज इज इक्वस टू वर्क डन फॉर 1 साइकिल, ये सेम रहेगा अभी, 1 साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम फॉर 1 साइकिल। सो 0 to t p इंटू डी टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। सो 1/t बाहर लेंगे, 0 to t ई नॉट माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सो माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, 0 to t साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ पे अभी देखो एक फॉर्मूला मैनेज होता है। जब हम इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 cos ओमेगा 2 sin t साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, आंसर इज 2 sin और सिंपली sin 2 थीटा। ओके, सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। ओके, सो अभी इसे हम इलाबरेट करेंगे, आई नॉट डिवाइड बाई टी 0 to t, ये पूरी की पूरी टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे और डिवाइड बाई भी 2 करेंगे। सो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये 2 तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, माइनस ई नॉट आई नॉट 2 t, और ये आपका 0 to t, यहाँ पे 2 sin ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा टी। सो यहाँ पे आता पी एवरेज, सब में आपका पी एवरेज ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर लेंगे हम, पी एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, और इसे लिखेंगे sin 2 ओमेगा टी। सो माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी। सो इसका आंसर आप इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आता, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ माइनस प्लस कर देंगे इसको, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा 0 to t। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टा चलता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। सो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी इंटू कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और यहाँ पे आपका एक 2 था, ये 2 यहाँ पे जैसे वैसे। ओके, जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करते हो, ठीक है, सो आपका आंसर यहाँ पे 0 आता है, इंटू 0, और ये टर्म आप इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो पी एवरेज आपका आंसर 0 आता है। ठीक है, सो पी एवरेज फॉर आई इंडक्टर इज अ 0। सो द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी थ्रू अ आइडियल इंडक्टर इज अ 0। सो इंडक्टर के लिए आपका आंसर आता है 0। ओके, सो जैसे इसमें माइनस किया था हमने, किसके लिए, इंडक्टर में जो कि लैग कर रहा था, अब कैपेसिटर में ये लीड करेगा। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। थर्ड हमें देखना है अभी, सी पॉइंट एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर।
ठीक है। अब यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या करेंगे, करंट लीड करेगा वोल्टेज को, ये ऑलरेडी हमने देखा है। बट किससे करेगा, 95/2 पॉजिटिव वाला। सो आपका एसी सोर्स रहेगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर एज आई इज इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू हम ई इंटू आई कर दे, सो पी एवरेज सॉरी पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90, और 90+ थीटा। सो 90+ थीटा जब होता है तो आप यहाँ इसको डायरेक्ट कॉस थीटा लिख सकते हो। सो ये आपका पी हो गया। ओके सो आपको फाइंड करना है पी एवरेज। तो पी एवरेज के लिए वही फॉर्मूला फिर से 0 to t पी इंटू डी टी डिवाइड बाई टी। सो आप यहाँ पे 1/t ले लोगे, 0 to t पी का वैल्यू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। फिर से इसको क्या करेंगे, अभी हमने जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड टू किया था तो सेम तरीके से ई नॉट आई नॉट बाहर ले लो, 0 to t अंदर बचेगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, बराबर। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई टू करेंगे। सो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी 0 to t 2 sin ωt इंटू cos ωt डिवाइड बाई टू। तो ये टू एक डिनोमिनेटर वाला हुआ, आउटसाइड में ले लेंगे। यहाँ पे आपका 2 sin ωt इंटू cos ωt ये बचेगा। ओके इंटू डी टी लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू इंटू टी। ओके इसको रिड्यूस किया जाता है sin 2 थीटा से, मीन sin 2 ωt इंटू डी टी। सो फिर से अगर इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन -cos 2 ωt डिवाइड बाई 2 ω 0 to t। सो ये जो माइनस है, पहले इसमें माइनस नहीं था सॉरी, तो ये यहाँ पे माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2t इंटू cos 2 ωt डिवाइड बाई 2 ω 0 to t, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप आंसर करोगे तो ये कितना आता है, 0। सो एनीथिंग इंटू 0 दैट इज 0। सो पी एवरेज फॉर कैपेसिटेंस इज ऑल्सो व्हाट, 0 फॉर एसी सर्किट। ओके सो ये है टोटल आपका, दैट इज एवरेज पावर और पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ओके सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा एलसीआर सर्किट देखा। एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट करके हर एक का इक्वेशन अलग अलग देखा, उसमें फेजर डायग्राम भी था और इम्पीडेंस मिल निकाला था। इम्पीडेंस था आपका अंडर रूट ऑफ r² + XL - XC² ये कब कब आएगा, इसके पहले का लेक्चर जब आप एसी वोल्टेज अप्लाइड इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर देखोगे तब, ठीक है। देन इसमें हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल भी निकाला। देन उसके बाद पावर विथ व्हाट एसी सर्किट। सो डीसी में हम लेते हैं वोल्टेज इंटू करंट डायरेक्टली, बट एसी में हमें इंस्टेंटेनियस ये वर्ड यूज करना पड़ता है जो कि चेंज होने वाला है। सो फॉर रेजिस्टर, रेजिस्टर के लिए आपका एवरेज पावर था दैट इज अ ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू था, बराबर। फॉर कैपेसिटर के लिए ये 0 था और इंडक्टर के लिए भी आपका 0 था। ओके सो इस लेक्चर में हम इधर ही रुकते हैं। थैंक यू।